A golf ball has a diameter equal to 4.1 cm. Its surface has 150 dimples, each of radius 2 cm. Calculate total surface area which is exposed to the surrounding, assuming that the dimples are hemispherical. Okay? तो एक बार हम फील करते हैं एक्चुअली में गोल्फ बॉल होगी कैसी. सी लेट्स से गोल्फ बॉल होती शेप में सर्कुलर है, तो ये हो गया एक सर्कल, ठीक है ना. अब सर्कल में क्या होता है कि जो इसके क्या बोलते हैं ना ऐसे हेमी सर्कुलर ऐसे ना बाहर निकले हुए रहते हैं ऐसे. और हमें गिवन है जो पूरी स्फेरिकल बॉल है उस पर ऐसे कितने हैं 150 है. हमें इन जो छोटे छोटे हेमिस्फेयर है इनकी क्या बोलते हैं रेडियस भी गिवन है, कितनी है 2 सेंटीमीटर इनकी रेडियस है. ओ नॉट 2 सेंटीमीटर, इट्स सिर्फ 2 mm हमें रेडियस गिवन है. अब अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है पूरी बॉल का. तो सी नॉर्मल में हमारे पास क्या होता, सी नॉर्मल में ऐसे हमारे पास में एक बॉल होती, एक स्फेरिकल बॉल है ना, तो उसमें क्या होगा इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा नॉर्मल बॉल का. अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो एरिया ऑफ नॉर्मल बॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ नॉर्मल बॉल. अब क्या ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का एरिया कितना होता है 4πr², तो 4 × π × r कितना है इसका, इसकी r हमें गिवन है 4.1 सेंटीमीटर. डायमीटर हमें गिवन है 4.1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो डायमीटर कितना होता है 2r होता है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4.1/2, तो 4.1/2². अब इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या जाएगा 4.1 × 4.1 कितना हो जाएगा, इट इज 16.81 π सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एरिया ऑफ नॉर्मल बॉल. अब एक्चुअली में क्या हो रहा है सी, अब हमें ये वाला एरिया ऐड करना है जिसमें जो ऊपर कर्वेचर वाला पार्ट है ना. तो हमें ऐसा गिवन है कि कितने ऐसे 150 कितने हैं हमारे पास में, ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन है कि 150 डिम्पल्स हैं, 150 डिम्पल्स है ना. और अगर एक डिम्पल का एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर है, तो एरिया ऑफ वन डिम्पल कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ वन डिम्पल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास में 2πr² हो जाएगा, 2πr² है ना. आर की वैल्यू क्या है हमें गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन है आर की वैल्यू 2 mm के इक्वल है, इट मीन्स 2/10 सेंटीमीटर. 2 × π × 2/10 का होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये लिखा हुआ 1/25, तो इसलिए लिखते हैं 2π/25, तो 2π/25. नाउ ऐसे कितने डिम्पल्स हैं हमारे, 150 डिम्पल्स हैं, तो एरिया ऑफ 150 डिम्पल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/25 × वॉट 150, तो ये जगह वैल्यू इट इज इक्वल टू 12π² सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 150 डिम्पल्स का एरिया हो गया कितना, 12π² सेंटीमीटर स्क्वायर. बट अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमने क्या करा, सी हमने पहले अगर मैं देखूं सरफेस को इसको, तो हमने ऐसे ना ये सरफेस पूरा एरिया इसका कैलकुलेट कर लिया, उसके ऊपर हमने एक डिम्पल बनाया है ना, हमने इसका एरिया डायरेक्ट ऐड कर दिया कर रहे हैं. लेकिन इसका हम एरिया डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक एरिया लूज भी हो रहा है सी. तो हमारे जो नीचे वाला सरफेस एरिया है, अब ये एरिया काउंट नहीं होगा, और ये एरिया कितना होगा, ये एक सर्कुलर प्लेट की तरह होगा, ऐसे एक सर्कुलर प्लेट होगी इस टाइप की, क्योंकि स्फेयर का अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे हेमिस्फेयर का, तो क्या होता है नीचे एक सर्कुलर आता है जिसकी रेडियस क्या होगी, सेम 1 mm होगी. तो ऐसे क्या होगा, हमारे कितने 150 सर्कल्स होंगे फॉर 150 डिम्पल्स, उनका एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो हमें क्या, जो हेमिस्फेयर से इनकी प्रोजेक्शन का जो एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा. तो हमारे पास अब जो टोटल एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बॉल हो जाएगा, एरिया ऑफ बॉल इज इक्वल टू सी टोटल एरिया कितना आया था हमारा, टोटल आया था 16.81 π, 16.81 π, और एरिया ऑफ 150 डिम्पल्स कितना है 12 π के इक्वल. अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें उन 150 डिम्पल्स का प्रोजेक्शन का एरिया माइनस करना है, वो किसके इक्वल होगा, हो जाएगा πr² के इक्वल, हर एक के लिए r कितना होगा उसके लिए भी 1 mm. तो सिमिलरली हमें क्या है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है हर एक की, हमें रेडियस गिवन है 2 mm के इक्वल. तो सिमिलरली इसका भी क्या जाएगा, एरिया
1 पाई इंटू 1 बाय 25, क्योंकि रेडियस होगी 1 बाय 5 सेंटीमीटर, तो जाएगा 1 बाय 25। तो ये पूरा अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16.8 पाई। ये लिखा हुआ है 12 पाई और ये लिखा हुआ है 6 पाई, तो 12 पाई माइनस 6 पाई इज प्लस 6 पाई, विच इज इक्वल टू 22.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया हमारी बॉल का कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 22.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।